स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो एक वेबसाइट के लिए सबसे पहले एक वेब पेज बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक वेब पेज बनाया, फोल्डर बनाया उसके लिए फायरवॉल एंड नोवाइस का। तो यहाँ पर जाके पहला वेब पेज इस तरह से शुरू करेंगे कि हम यहाँ से विजुअल कोड खोलेंगे, और विजुअल कोड खोलने के बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे, जो पहले से फोल्डर खुला हुआ उसको क्लोज फोल्डर कर देंगे, तो वो क्लोज हो जाएगा। एंड देन फाइल में जाके यहाँ से इसको ओपन फोल्डर करेंगे, तो ओपन फोल्डर करने पे हमारे सामने फोल्डर्स आ जाएंगे। जो फोल्डर्स हमने क्रिएट किया है वहाँ पे जाके हम यहाँ से क्लिक करेंगे डिवाइस के ऊपर, और फिर उस फोल्डर में चले जाएंगे, और फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से नोइस पे क्लिक कर लेंगे। फायरवॉल एंड नोइस जो फोल्डर हमने बनाया है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का फोल्डर डिफाइन हो जाएगा। तो एक वेब पेज, जो फर्स्ट वेब पेज हम बनाते हैं अपना, तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल एन करना है, न्यू फाइल बना के कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। इसका नाम हम रख लेते हैं सपोज टू बी होम डॉट एच टी एम एल, लाजमी लिखना है क्योंकि इसके बगैर वो वेब पेज बनेगा नहीं। और उस पर क्लिक करके जैसे हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाना है, एंटर करना है। कुछ बेसिक कोड हमें रिक्वायर्ड होता है, जिसमें HTML का डॉक्यूमेंट टाइप फॉर HTML5, HTML का टैग, हेड सेक्शन ओपन एंड क्लोज, बॉडी सेक्शन ओपन एंड क्लोज, HTML ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे मेटा के कुछ टैग हैं, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का टाइटल बयान करेंगे जो भी रखना होगा वेब पेज का या वेबसाइट का, क्योंकि एक वेब पेज ही बाद में वेबसाइट बन जाता है, ठीक है ना। वो काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं उसके बाद। इसके बाद अब यहाँ से राइट बटन दबाएंगे, इसको करेंगे रिवील इन एक्सप्लोरर। तो ये कहाँ पे सेव हुआ है वहाँ नज़र आएगा। इसको हम राइट बटन दबा के ओपन विद कर लेंगे गूगल क्रोम के ऊपर। तो ये क्रोम के ऊपर दिखाई दे रहा है हमारा वेब पेज, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये फाइल हमारी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पिछला वाला वेब पेज है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर ये हमारा वेब पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक ही फाइल को हमने खोल रखा है इधर विजुअल कोड में, ये कहलाएगा इसका सोर्स कोड, और ये इसका कहलाएगा वेब पेज पे जो इसका यूज़र का व्यू जो है, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ करेंगे और उसकी चेंजेस हमें यहाँ दिखाई देंगी। अब सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है कि भाई एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए देखें, सबसे पहले तो वेबसाइट किस से मुतल्लिक है वो बनाई जा रही है, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वेबसाइट किसी शख्स की बनाई जा रही है, मिसाल के तौर पर वो शख्स इब्राहिम है, तो फिर इब्राहिम के नाम से बनाई जाएगी। फिर इब्राहिम क्या है उसके बारे में लिखा जाएगा, इब्राहिम क्या करता है वो लिखा जाएगा, इब्राहिम किस तरह की सर्विसेज देता है, प्रोडक्ट बेचता है वो लिखा जाएगा, क्यों इब्राहिम को ही से लेना चाहिए, इब्राहिम की टीम क्या है, इब्राहिम का पर्पस क्या है, मिशन क्या है, और ये सारी चीज़ें हम एक वेबसाइट के अंदर लिखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि हम तो आपको सिखा रहे हैं वेब पेज या वेबसाइट बनाने का हुनर, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि हम तो आपको हुनर सिखा रहे हैं जिसमें वेबसाइट या वेब पेज आप बनाना सीख रहे हैं, पर वेबसाइट के कंटेंट कौन लिखता है, मतलब जो भी वेबसाइट के अंदर चीज़ें लिखी जा रही होती हैं, जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो कौन लिखेगा। अगर हमें वो नहीं लिखना आते तो हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब इसके मतलब इसके पीछे क्या बात है, तो इसके पीछे यही बात है कहने का मकसद कि मिसाल के तौर पे कि अगर आपको वेबसाइट के कंटेंट नहीं लिखना आते तो क्या आप वेब डिज़ाइनर नहीं बन सकते। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पे भी हम एक रोड पे कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये मेरा मैट्रिक क्लास का पेपर बना दो, तो क्या वो बना देगा। वो कहेगा बताओ पेपर में क्या लिखना है, मुझे कंटेंट्स दो। अगर हम कंटेंट्स देंगे तो वो पेपर बनाएगा। अब कंटेंट्स हम तो नहीं देंगे, पेपर तो कोई लिख के बना के देगा फिर हम उसको देंगे। तो आपका काम यहाँ पर है वेब डिजाइनर, मतलब कॉन्टेंट्स को अरेंज करके एक वेबसाइट की शक्ल दे देना। लेकिन अगर अब आपके पास कॉन्टेंट्स ही नहीं है, मतलब हम तो कॉन्टेंट्स, और कॉन्टेंट किस में लिखे जाएंगे, इंग्लिश में लिखे जाएंगे, तो फिर हम क्या करें। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, वेबसाइट के कॉन्टेंट लिखने के लिए एक अलग फील्ड है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेंट राइटिंग। कॉन्टेंट राइटिंग जिसमें पैराग्राफ लिखने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होते हैं, कैसे एक वेबसाइट या कोई एड लिखना होता है, तो ये सारी चीज़ें एक अलग आती है। जो राइटर लोग, जो मोस्टली इंग्लिश में लोग प्रोफेशन होते हैं, जो राइटर किस्म के लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो ये मोस्टली काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जो वेबसाइट बनवाएगा वो कंटेंट भी आपको देगा कि मेरी वेबसाइट पे कंटेंट क्या लगाना है, आपका काम होगा कैसे लगाना है उसको, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा मसला ये है कि अगर हम जैसे लास्ट टाइम एक वेब पेज बना रहे थे तो हम उसमें लोरेम के टेक्स्ट डाल रहे थे, रैंडम टेक्स्ट डाल रहे थे उल्टी सीधी करके, वो तो प्रैक्टिस के लिए ठीक थी। लेकिन अगर अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो हमारे लिए ये मसला भी हल हो गया है। अगर हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखना आती है तो हम अपने वेबसाइट के कंटेंट एआई टूल को यूज़ करते हुए जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वो अगर थोड़ी भी नहीं आती तो फिर तो ये हो नहीं सकेगा काम। तो
तो उसके लिए ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है। व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट कहते हैं हम एक एआई टूल से जब भी हमें कोई काम लेना होता है ना, उसके लिए हमें उसको कुछ बताना पड़ता है, उस बताने के अमल को हम कह रहे होते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो उसको जितना क्लियर आप प्रॉम्प्ट समझाएंगे उतना बेहतर तरीके से एआई टूल समझ जाएगा, और जब वो समझ जाएगा तो समझने के बाद आपका वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम होगा कैसे इसको जरा समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने लिखा उसमें एक इंट्रोडक्शन लिखा है फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम अपनी कंपनी का एक नाम सजेस्ट करते हैं जिसकी वेबसाइट बनानी है, तो हमने लिखा फायरवॉल एंड नोइस। ठीक है, या फायरवॉल नोइस लिख देते हैं। फायरवॉल नोइस इज अ टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी विच ऑफर सर्विसेज ऑफ वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। कंपनी बेस्ड ऑन शहजादपुर पाकिस्तान सिंस 2010 राइट ए कॉन्टेंट फॉर फायरवॉल एंड नोइस। फायरवॉल नोइस टेक्नोलॉजी वेबसाइट क्रिएट हेडलाइन फॉर वेबसाइट, यहाँ पे लिख देते क्रिएट टाइटल एंड हेडलाइन फॉर वेबसाइट, क्रिएट अ मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, क्रिएट कंटेंट्स फॉर होम पेज अबाउट अस एंड सर्विसेज पेज इन इजी वर्ड्स विद रिलेवेंट इमेजेस। ठीक है ना, इसको और मोर क्लियर भी आप करके लिख सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ चीज कमी लग रही है। ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? पहले एक कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने कहा कि एक फायरवॉल नॉइस एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है जो सर्विसेज देती है। सर्विसेज किस चीज की देती है? वेब डिजाइनिंग की देती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की देती है और डिजिटल मार्केटिंग की देती है। ये कंपनी शहदादपुर में मौजूद है और 2010 से काम कर रही है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया। उसके लिए मैंने कहा आप इसके लिए, इस कंपनी के लिए जिसका नाम फायरवॉल नॉइस टेक्नोलॉजी है, इसके लिए वेबसाइट के लिए एक कॉन्टेंट लिख दें। वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख दें तो उसमें एक टाइटल भी लिख के दें, हेडलाइन भी लिख के दें जो मेन पेज पे नजर आएगी, मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी बना के दें, मुझे कंटेंट्स भी लिख के दें होम पेज के लिए, अबाउट अस पेज के लिए और सर्विसेज के पेज के लिए। ऐसे और भी पेज हो सकते हैं, कॉन्टेंट का पेज हो सकता है, मार्केटिंग का पेज हो सकता है, प्रेस रिलीज का पेज हो सकता है, पर अभी नॉर्मली एक वेबसाइट में तीन पेज तो होना लाजमी है ना, कि होम पेज पे क्या आ रहा है, अबाउट सेक्शन में वो क्या करते हैं और सर्विसेज क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कॉन्टेंट का पेज लास्ट में आ रहा होता है। और वो आसान वर्ड में लिखें ताकि, और उसके साथ हमें सजेस्ट करें इमेजेस, यानी कि वह जैसा कंटेंट है, मतलब अगर अबाउट अस है तो अबाउट पे कौन सा इमेज लगेगा, टीम वर्क की बात आ रही तो उधर कौन सा इमेज लगेगा, तो वो भी साथ साथ रिकमेंड करने में। अब ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉम्प्ट हम देंगे अपने एआई टूल को। यहाँ पर हम एआई टूल कौन सा यूज कर रहे हैं आजकल, तो हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं, मेटा का व्हाट्सएप के साथ आ रहा है ना, फेसबुक के साथ भी आ रहा है, वो भी यूज कर लें ओपन एआई, या फिर आप ओपन एआई यूज कर लें इसका, माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई टूल कौन सा है ये देखें, यहाँ पर हमारा खुला हुआ है ओपन आई टूल माइक्रोसॉफ्ट का, ये चैट जीपीटी, इसको यूज कर लें, ट्राई चैट जीपीटी कर देते हैं, और या फिर गूगल का यूज कर लें, जेमिनाई, जो भी यूज करें आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, जो भी आप यूज करें। ठीक है ना, बस आपको उसको ये प्रॉम्प्ट देना है। तो किस पे करें, जेमिनाई पे करें या इस पे जीपीटी पे करें? जीपीटी सही, चलो जीपीटी ले लेते हैं, जीपीटी ऑन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने जीपीटी को ऑन तो किया, ये आ गया इसका प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसमें आपको अपनी जीमेल की आईडी लगानी होगी और जीमेल के आईडी के साथ आपको लॉगिन करना होगा, और ये प्रॉम्प्ट जो आपने बनाया है इसको मोर प्रीसाइज कंसाइज और क्लियर भी कर सकते हैं अगर आपको और भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो ये आपको करके देगा। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कहा भाई डू इट, तो क्लिक कर दिया इसके ऊपर, और इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए कैसे कर रहा है हमारा ये काम, आप बैठेंगे आराम से, ये आपका काम कर रहा है, इतनी भी जल्दी नहीं कर रहा, टाइम लगा रहा थोड़ा सा। हाँ, सारे पेपर ही सोल्व इससे हुए हैं, बल्कि अब कुछ दिन में ये मार्केट में आ जाएंगे, रिपोर्ट मिल रहा होगा, तत्ता सा रिपोर्ट, बोला ये ले लो भाई 10,000 रुपए का, सारे काम करेगा।
रुक गया, नजर लगा दी तुमने उसको, सर्विसेज पे आ गया, रुक गया वो। अच्छा सेम कंटेंट हम इससे भी लिखवा लेते हैं, जेमिनाई से एंटर कर देते हैं। नहीं नहीं चल रहा है, वो भी चल रहा है। काम भी तो कितना बड़ा बोला है आम एकदम। अगर आम इंसान को ये कंटेंट्स लिखने के लिए दिए जाए ना, हफ्ता 10 दिन 15 दिन मांग लेगा, बोले भाई मैं पूरे कंटेंट लिख के दूंगा आपको, इतने दिन लगेंगे। ओके चले भाई, इसने कंप्लीट कर दिया तो यहां से शुरू करेंगे हम इसको, यहां से ठीक है। तो इसने कहा टाइटल आप अपनी वेबसाइट का लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल एक्सपीरियंस विद फायरवॉल नोवास टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो भाई अब टाइटल कहाँ लिखेंगे अपनी वेबसाइट का, अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, यानी कि अब हमारा वो काम शुरू हो जाएगा कि वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है। तो ये देखिए मैंने टाइटल कॉपी किया यहाँ से और अपने विजुअल कोड में आया, और ये टाइटल सेक्शन में टाइटल ओपन एंड क्लोज के दरमियान में ये टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने अपने पेज पर रिफ्रेश किया तो देखें ये मेरा टाइटल यहाँ पे अपडेट हो गया। सही, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए हेडलाइन थी योर ट्रस्टेड पार्टनर इन वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कॉपी किया और हमारा ये हेडलाइन थी, तो इसके लिए हमने क्या किया, बॉडी सेक्शन में आ गए और यहाँ पे H1 लगाया, H1 के अंदर ये पहली लाइन हमने इसमें डाली, तो हमारे वेब पेज पे ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? तो हेडिंग 1 का एलिमेंट यूज किया, जितने भी HTML के एलिमेंट होंगे वो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है ना, ओके। तो फिर यहाँ पर जो है, यहाँ से हमने इसको मिशन स्टेटमेंट देनी है अपनी। तो मिशन स्टेटमेंट कैसे देंगे, तो अब मिशन स्टेटमेंट ये तो हमारा H1 में आ गया, लेकिन H1 में से इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाना है, तो इसके अंदर एक और एलिमेंट आप यूज कर लें H1 के अंदर ही फॉन्ट के नाम से, और उसके अंदर आप इसको फॉन्ट को स्टार्ट एंड इसको यहाँ पे जाके क्लोज कर दें, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे लिखिए फेस इक्वल टू डबल कोटेशन एट्रीब्यूट, उसके साथ साइज इक्वल टू डबल कोटेशन दूसरा एट्रीब्यूट, और तीसरा एट्रीब्यूट आप लिखेंगे कलर। आपके पास च्वाइस है, चाहे तो तीनों एट्रीब्यूट लिखें, चाहे तो एक एट्रीब्यूट लिखें, चाहे तो दो लिखें, पर मुझे तीनों रिक्वायर्ड थे इसलिए मैंने दिए। साइज में हम इसका साइज बता सकते हैं 1 से लेके 6 तक, मैं इसका साइज 6 लिख रहा हूँ, तो ये देखें कोई फर्क इस पर नहीं पड़ा। ओके 20 पिक्सल करके देखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है 30 पिक्सल करके देखता हूँ, इससे बड़ा नहीं हुआ, ये 20 पिक्सल मैक्सिमम जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा उसके बाद कलर इसकी जो है, कलर स्कीम को भी हम चेंज नहीं कर रहे अभी फिलहाल, ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने देते हैं। अगर कलर स्कीम को चेंज करेंगे तो पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा, और बैकग्राउंड का कलर BG कलर का एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे बॉडी के साथ, और इसमें से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हम किस तरह का कलर इस पे लगाना चाह रहे हैं, सपोज टू बी जो कलर्स यूज होते हैं वेबसाइट के बैकग्राउंड्स में, ग्रे होते हैं, सिल्वर होते हैं, और इस तरह के कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम ले लो उनसे, देना वो ले लेना उनसे, तुम ले लेना उनसे। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके सेव कर दिया यहाँ पे, और बोल रहा है ना जब देगा तब ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसके बाद टेक्स्ट जो है इक्वल टू करके यहाँ पे हमने वाइट लगा दिया इसको, यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, तो ये इस तरह से देखें आपका क्लियर हो जाएगा ये। अब इसको सेंटर करना है, तो ये पूरे बॉडी पे इम्प्लीमेंट हुआ है, अब इसको सेंटर करना है, तो इस स्पेसिफिक चीज को सेंटर करना है अगर हमें, तो यहाँ पे सेंटर का एलिमेंट लिख देंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको कट कर देंगे, क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे, और यहाँ से देखिए ये सेंटर में आपका इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ पे देखें कितने एलिमेंट्स यूज किया मैंने, फॉन्ट का यूज किया, सेंटर का एलिमेंट यूज किया, H1 का एलिमेंट यूज किया, और बॉडी के एट्रीब्यूट भी मैंने यूज कर लिए। ठीक है, अब आ गए हम ये इसके नीचे आ गए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे हमें इसके क्या बनानी है, मिशन स्टेटमेंट बनानी है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से आ गए मिशन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमने मिशन लिया, कॉपी किया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पर आ गए वेबसाइट के लिए। H1 यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर से दोबारा से H1 को स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया मिशन। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ को स्टार्ट किया, तो मिशन के बारे में जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ से लेंगे, और यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे, और यहाँ पे रख के पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें इसके नीचे मिशन स्टेटमेंट के साथ ये भी आ गई। अब मिशन स्टेटमेंट को भी अगर हम सेंटर में चाह रहे हैं करना, तो फिर हमें यही काम करना पड़ेगा कि पी के साथ हम H1 यूज करा है, तो फिर इसमें यूज करके देखते हैं अलाइन यूज हो रहा है इसके अंदर, तो अगर यूज हो जाएगा तो काम अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ पे सेंटर की वैल्यू पास करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इस तरह से मिशन स्टेटमेंट हमारी सेंटर में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ के साथ आपको यूज करना है तो इसमें आप यूज कर लें, अगर दोनों साइड बैलेंस रखनी है तो अलाइन कर दें इसको और इक्वल टू करके यहाँ पे एक वैल्यू पास करते हैं जस्टिफाई, तो दोनों साइड से ये जस्टिफाई हो जाएगा, जस्टिफाई। ठीक है, तो दोनों साइड से ये जस्टिफाई हो जाएगा और ये इस तरीके से आपको नजर आने लग जाएगा, और उसके यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश कर दें तो दोनों साइड से जस्टिफाई हो जाएगा और ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे नजर आने लग जाएगी। अब इसके साथ साथ अगर हमें इसमें मजीद फॉन्ट्स वगैरह पे काम करना है तो फिर वही फॉन्ट फेस को आप बार बार ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी कर लें यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट करके यहाँ पे इसको रखते हैं और उसको फॉन्ट को यहाँ पे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर देखें 20 पिक्सल तो यूज नहीं करेंगे हम, इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल, तो 2 पिक्सल में कैसा हो जाएगा, छोटा हो गया, तो इसको करते हैं 5 पिक्सल, तो यहाँ से देखें थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, इसे इतना बड़ा सही है, या फिर 4 पिक्सल कर दें, 3 पिक्सल कर दें, तो कुछ वैसा आपको लग रहा है कि भाई ये सही लग रहा है, तो वो फॉन्ट आप इस पर लग रहे हैं कि आपकी वेबसाइट 100% पे जब कोई व्यू करेगा तो कैसी नजर आएगी, टेक्स्ट पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आती है फॉन्ट्स का इस्तेमाल, तो प्रॉपरली फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में, आपको नोटपैड में जाएंगे, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, काफी सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप चूज कर ले जो फॉन्ट आपको सही लग रहा है कि भाई यहाँ ये स्टेटमेंट ऐसी नजर आनी चाहिए। जैसे हम अपने टाइटल के लिए कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है, जैसे अपने टाइटल के हम ये लूसिडा फैक्स फॉन्ट ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फॉन्ट का नाम कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पर आए और यहाँ से ऊपर गए फॉन्ट फेस वाले सेक्शन में पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें उस तरह का फॉन्ट आपको नजर आने लग जाएगा। सिमिलरली अगर आपको और कोई मजीद फॉन्ट चाहिए तो जैसे अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पर एक फॉन्ट है जैसे कि मॉडर्न है, यूआई एम एस सेरिफ है, सेरिफ का फॉन्ट लिया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके इसके फॉन्ट के फेस के अंदर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट जो है आगे वाला सेरिफ बन जाएगा और ये इस तरह से सेरिफ नजर आएगा। आई थिंक सो सेरिफ वाला फॉन्ट इस पे इतना इफेक्टिवली काम करा नहीं इसने। ठीक है, तो कोई और लगा लेते हैं सपोज टू बी, और कोई देखते हैं फॉन्ट मैरिट है, ये भी अच्छा फॉन्ट है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको इसके सोर्स कोड में यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और पेस्ट कर देते हैं और फिर जाके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें फॉन्ट उस तरह का इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉन्ट ओवरऑल नीचे तक यूज होगा, सब में चलेगा, तो फिर ये फॉन्ट का टैग को यहाँ क्लोज नहीं करना बल्कि ये एंड में क्लोज करना है, स्टार्ट शुरू से करना है और एंड इसमें करना है, तो सारा फॉन्ट इसी पे चलेगा, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, बल्कि मिशन वाले को भी इसमें डाल देते हैं, तो यहाँ से कट करके मिशन से पहले हम इसको लगा देंगे और यहाँ पे करके इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये नीचे वाले पे सारा ये फॉन्ट चलेगा और ये इस तरह से आपको नजर आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना, तो ये देखें हमने एक अपनी टाइटल स्टेटमेंट लिखी, फिर मिशन स्टेटमेंट लिखी, अब आगे चलाएंगे अपने काम को, तो यहाँ पे क्लिक करके H1 लगाएंगे दोबारा से, तो अगला काम आपको यहाँ मिलेगा मिशन के बाद है विजन, तो डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे विजन के इसके अंदर, उसके बाद पैराग्राफ लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका लेंगे विजन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा इसने इसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नीचे लिखा इसने, ठीक है, ओके, तो यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आके, तो ये आपका विजन भी आ गया। अब विजन के साथ वही सेम स्ट्रेटेजी रखनी है, तो यहाँ पे दोबारा से अलाइन का एट्रीब्यूट ALIGN अलाइन, और इसके लिए सेंटर करेंगे और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद पैराग्राफ नीचे आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखना है, H1 करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव में कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसका अलाइन दोबारा से सेंटर ही रखना है, तो इसको भी अलाइन का एट्रीब्यूट याद रखें, एट्रीब्यूट हम कह रहे हैं जो एलिमेंट के साथ एडिशनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये एलिमेंट है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे इस तरीके से नजर आने लग जाएगा। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेबसाइट क्रिएट होते जा रही है। अब हमारा रैंडम टेक्स्ट नहीं है, बकायदा प्रोफेशनल टेक्स्ट हम लिख रहे हैं इसके ऊपर, सही है, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसने थोड़ा सा आपको पजल कर दिया, ये डॉट्स दे रहा है, इन डॉट्स को हम कहते हैं बुलेट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम सेलेक्ट करके बुलेट्स इजीली लगा देते थे, लेकिन वेब डिजाइनिंग में जब HTML पे हम काम कर रहे थे तो इस तरह के बुलेट्स कैसे लगाते हैं अब वो देखना है हमें। तो देखिए इस तरह के बुलेट्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ हमारा जो पैराग्राफ आएंगे एक्सपेंड कर देते हैं, ये नीचे आते हैं, पैराग्राफ इसका भी हो गया, अब ऑब्जेक्टिव में थे ना हम, ऑब्जेक्टिव के पैराग्राफ में चल रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया, इसके बाद नीचे आ गया। अब डायरेक्टली इसमें आप क्या करें, एक पैराग्राफ लगा दें, पैराग्राफ के अंदर एक यूएल ले लें, यूएल फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ये जो बुलेट वाला काम है वो इसमें होगा, जितने बुलेट लगाने हैं उतने बुलेट्स के लिए इच टाइम आप एक लिस्ट आइटम यूज करेंगे, ओपन एंड क्लोज, ये यूएल के अंदर यूज होंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर से आप इस स्टेटमेंट को डबल क्लिक करके कॉपी करें, यहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट करें और इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, तो ये देखिए आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, देख लिया बुलेट आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आगे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके फिर डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर आके इसको फिर से पेस्ट करते हैं, लेकिन अभी लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा, लिस्ट आइटम के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये देखिए आपका इस तरह से हो जाएगा और ये चारों स्टेटमेंट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है,
जो आपकी ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली भी और इसके बाद वाली भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये दो तो लिख दिए, तीसरी चलो और लिख देता हूँ, ये लिखा हमने यहाँ पे और इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए आ गए और हमारी वेबसाइट पे इस तरह से शो हो रहे हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव भी सेंटर में आए, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं ये सेंटर में आए, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ये जो पी आपने पी बनाया था, पी के अंदर आपने लिया था, देखिए याद करें हमने पी बनाया था, पी के अंदर यू लिया था, पी फॉर पैराग्राफ। तो यहाँ पे अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसको हम जाके लिख देंगे सेंटर। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखें इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, लेकिन यू एल पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चीज़ का, तो यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन हमारा फेल हो गया। ठीक है, अगर यही एट्रीब्यूट हम उठा के डालते हैं यू एल के साथ, देखें उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, अगर पड़ता है तो फिर हम देख लेंगे इसको। तो इस पर इम्पैक्ट पड़ा तो हमारा सेंटेंस सेंट्रल में चला गया, लेकिन फिर ये जो डॉट्स थे वो शुरू में रह गए, जो कि इतना खास नहीं लग रहा। तो फिर क्या करें, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन चीज़ों को भी आगे चल के देखेंगे सीएसएस के अंदर के और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आप अपने यहाँ पे सारे के सारे इंक्लूड देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो फिर आपके लिए होम पेज का इसने कंटेंट लिखा है। तो होम पेज के लिए आपने क्या लिखा, होम पेज को यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और यहाँ से गलत जगह से कॉपी कर लिया, क्लिक किया, कॉपी, नीचे आ गए, पैराग्राफ यहाँ पे ओवर हुआ। इसके बाद नीचे आ गए, फॉन्ट के सेक्शन में ही चल रहे हैं और यहाँ पे अच्छा, अगर आपको फॉन्ट अगले पेज पे थोड़ा चेंज करना है तो आप फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लोज कर दें, फिर यहाँ से दोबारा से H1 यूज कर लें और H1 में जाके इसका होम पेज है आपका, तो यहाँ पेस्ट कर दें होम पेज और यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करके अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर ये अब फॉन्ट दोबारा से चेंज हो चुका है आपका। ठीक है, अब एक पेज पे आपने मेन पेज पे ये फॉन्ट रखा, आपने अब चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और फॉन्ट रखें, तो ऐसा भी करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, थोड़ा सा और मेहनत वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ से इसको ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट फेस दोबारा से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद फॉन्ट फेस को दोबारा से H1 से पहले प्लेस कर देंगे। अब दूसरे पेज के लिए हम जो फॉन्ट कौन सा चाह रहे हैं, तो यहाँ से दोबारा से हमारे पास नोटपैड तो ओपन ही है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से मैरट फॉन्ट यूज कर रहे थे, एक और है कंसोलास का फॉन्ट ले लेते हैं और यहाँ से क्लिक करके कंसोलास के फॉन्ट को ले लेंगे और यहाँ से जाके हम इस पर लगा देते हैं। तो कंसोलास का फॉन्ट हम यहाँ पे इसके लुसिडा फैक्स के ऊपर ये वाला फॉन्ट यूज कर लेते हैं और 20 पिक्सल पे रखते हैं। कलर फिलहाल हम नहीं बता रहे क्योंकि कलर वाइट ही रहने देते हैं, ये एक ही चल रहा है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होम पेज नजर आ रहा है, ओहो बहुत बड़ा नजर आ रहा है ये 20 पिक्सल पे, तो ओके नहीं नहीं 4 पिक्सल पे रखते हैं इसको, 4 पिक्सल पे और यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए आपको इस तरह से होम पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये होम पेज का सेगमेंट आपका शुरू हो गया। अब आगे फॉन्ट कुछ इस तरह के रहेंगे, फॉन्ट को हम यहाँ पे इसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे H1 में आ गए, H1 के बाद अब फॉन्ट के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, होम पेज के बारे में इसने एक स्टेटमेंट लिखा है, वेलकम टू फायरवॉल। अब ये स्टेटमेंट हमें चाहिए अलग तरीके से, तो क्या करेंगे, H1 के बाद यहाँ पे पैराग्राफ से पहले H2 का स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये दिख रही है वेलकम टू फायरवॉल लिखा गया, इसको हम सेंटर में चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अलाइन करके इसको हम यहाँ पे सेंटर की वैल्यू पास कर देंगे, CENTR सेंटर, और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से वेलकम टू फायरवॉल लिखा हुआ रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं वेलकम वाली लाइन को, तो यहाँ पे फॉन्ट को एक दफा अप्लाई कर दें और उसको फॉन्ट को यहाँ पर ही क्लोज कर दें एक दफा और। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे कंसोलास 4 पिक्सल के बजाय इसको आप 10 पिक्सल पे ले लें, तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा इसके ऊपर। ये देखिए वेलकम टू फायरवॉल टेक्नोलॉजी इस तरह से निकल आएगा, सही है। तो ये देखें अब आपकी वेबसाइट का कुछ कंटेंट इस तरह से आगे चलता जा रहा है। अब अगर आपको वेलकम स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है, अगर नहीं लिखनी तो फिर आप इस फॉन्ट को भले से रिलीज कर दें और इसको H2 में ही रहने दें नॉर्मली, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा जैसा कि ये लिखा रहा होता है वेलकम और इस तरह से शो हो रहा होगा। अब इसके बाद के जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसके बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे रख के और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ये वाला जो हमारा फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, वो इसके नीचे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, तो अगर आपको इस लेवल पे भी फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा, कंसोलास का फॉन्ट मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर एक और फॉन्ट भी अब यूज करते हैं, वेब UI, वेब इसके साथ नाम से इसका है, अच्छा फॉन्ट है वो वेबसाइट्स के लिए, वेब 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 UI सेओक, हाँ सेओक ये वाला यूज कर लें, सेओक सिगवे UI। ठीक है, इसको यूज कर लें और इसको ले जाके इसके अंदर यहाँ पे ले जाके सिगवे UI को डाल देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ फॉन्ट अच्छा सा लगेगा इसके ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर मोस्टली ये फॉन्ट यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए इसमें वाई चूज अस लिखना है। तो अब वाई चूज अस मतलब अगर हमने इसको H1 रखा है, इसको H2 रखा है, तो डेफिनेटली इसको हम क्या रखेंगे, H3 पे रखेंगे, 3 लेवल पे रखेंगे। तो यहाँ से पैराग्राफ को ओवर करते हैं, H3 पे चले जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद H3 पे करने के बाद
यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने तीन आइडियाज आपको शेयर किए हैं, तो वाई चूज, मतलब हमें चूज करने की क्या रीजन है। तो इसके अंदर देखिए ये बोल्ड भी करना है, ये करना है, तो दोबारा से हम यहाँ पे यूएल का इस्तेमाल करेंगे और लिस्ट आइटम लगाएंगे। लिस्ट आइटम के अंदर फिर एक बी भी लगाएंगे, बी का एलिमेंट यूज करेंगे फॉर बोल्ड के लिए। तो बोल्ड करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके और इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पर डबल करके कॉपी करेंगे और इसको पहले बोल्ड के अंदर लिख देते हैं, फिर आधी स्टेटमेंट का ये कंट्रोल बी हटा के और यहाँ से इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं कंट्रोल बी को। ये देखिए यहाँ पे तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है बोल्ड रहेगा और बाकी वाला हिस्सा जो है वो बोल्ड नहीं होगा और एक ही लाइन पर रहेगा क्योंकि ये इन लाइन टैक्स कहलाते हैं। तो ये देखिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये बोल्ड होके आ गया और ये जो है इस तरह से नॉर्मल सा रह गया। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे और मेहनत करेंगे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वही फॉन्ट का टैग लगा के कलर चेंज कर दें इसका। फॉन्ट कलर के साथ वो यूज़ ना करें आप, फेस और साइज यूज ना करें, साइज यूज करेंगे तो फिर साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये हाइलाइट्स में इस तरह से नजर आ रहा है जैसा कि कंटेंट यहाँ पे दिखाया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे भी यही चीज़ आपको करनी है, तो मैं दूसरा फिर से करके दिखा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। तो यूएल और यूएल के अंदर है लिस्ट आइटम, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, यूएल के अंदर है लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम के अंदर था बी और अब हम दूसरा लिस्ट आइटम बना रहे हैं तो इसके नीचे लिस्ट आइटम लगाएंगे। लिस्ट आइटम एलआई, एलआई के अंदर एक लगाना है हमें बी, तो मैं सोच रहा हूँ कि बी हम बाद में लगाते हैं, पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये अभी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से नजर आएगी नॉर्मल। ठीक है, अब इस पार्ट को मुझे करना है बोल्ड, ये तो नीचे चला गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसके बाहर लिख दिया हमने, कट करेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे अंदर पेस्ट कर देंगे और ये रिफ्रेश करेंगे तो ये अंदर आ गया। और इस पार्ट को बोल्ड करना है तो जिस पार्ट को बोल्ड करना है उससे पहले एक स्टेटमेंट लगाएंगे आप, बी बी स्टार्ट एंड ओवर करेंगे, मतलब क्लास कर देंगे ओवर, यहाँ पे इसको जाके बी को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और फिर देखेंगे तो ये आप देखेंगे इस तरह से ये चीज़ क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे अबाउट अस सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे से अबाउट अस वाला बनाया इसने पेज, तो यहाँ से कॉपी करते हैं। सिमिलरली वही सारा तराना जो हमने पहले किया था वो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, H1 लगाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसी फॉन्ट को कंटिन्यू करें और ये ज़रा बेहतर फॉन्ट है, तो इसके लिए हम फॉन्ट के अंदर ही रहते हुए इधर लगाएंगे H1 और H1 में लिखेंगे अबाउट अस। और इसके लिए भी वही सेंटर दिखाना है, तो अलाइन के बाद इसको क्या करेंगे, सेंटर, सेंटर दिखा रहे हैं, सेंटर नहीं दिखा रहे, तो सेंटर नहीं दिखा रहे तो यहाँ से सेंटर का एलिमेंट भी हम हटा देंगे और यहाँ से अलाइन का भी एट्रीब्यूट हटा देंगे। क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अबाउट अस आपका इस तरह से दिखाएगा, होम पेज हो गया आपका या अबाउट अस का पेज हो गया। सही है, अब अबाउट अस के पेज में हमने क्या डिफाइन करना है। अबाउट अस के पेज में एक अबाउट फायरवॉल के बारे में लिखना है, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे फिर जाएंगे, यहाँ पे इसके नीचे एक और H2 यूज करेंगे और उसमें ही डाल देंगे और उसके बाद रिफ्रेश करके इसको यहाँ देखेंगे तो ये देखें इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। और इसको भी सेंटर करना है तो अलाइन सेंटर कर दें ताकि ये थोड़ा सा पिछले वाले के रूप को फॉलो कर लेगा, तो जैसे हमने पीछे एक ट्रेंड रखा है तो ये उस ट्रेंड को फॉलो करेगा और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें सेंटर में आ जाएगा। सही है, उसके बाद क्लिक करके यहाँ पर आते हैं आगे चल के, तो इसके भाई पैराग्राफ टेक्स्ट हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नीचे लाते रहेंगे, इसको पैराग्राफ करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हु वी आर पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। अब हु वी आर और ये वाला सेगमेंट आई थिंक H2 पे ही चलाते हैं, वरना H3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है H2 पे सही रहेगा। यहाँ पे पेस्ट करेंगे हु वी आर, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और इसको भी अलाइन करके यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आने वाला है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, अबाउट अस यहाँ आ गया, अबाउट फायरवॉल टेक्नोलॉजी, हु वी आर, हु वी आर के बाद अब हमने अगला टेक्स्ट जो इसका हु वी आर के बारे में लिखना है कि अपने बारे में जो डिफिनेशन डाल रहे हैं, तो कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पर जाके, तो यहाँ आके इसको पैराग्राफ पे जाके अलाइन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन और यहाँ पे देंगे इसके अंदर सेंटर, सेंटर लगा के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे इसको सेंटर में ले लेंगे, तो ये टेक्स्ट हमारा इस तरह से हु वी आर वाला सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपका पूरा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर सीधा सीधा चलता जा रहा है। उसके बाद ये अगला सेक्शन है आवर वैल्यूज, फिर आवर वैल्यूज के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आवर वैल्यूज को यहाँ पे आपने पहले पेस्ट कर देना है सेम फॉन्ट के अंदर चलते हुए आवर वैल्यूज, और उसके साथ आपने यहाँ से H2 का अलाइन सेंटर यूज करना है। कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे H2 अलाइन सेंटर किया और यहाँ पे क्लिक करके स्लैश करके यहाँ पे H2 का टैग यूज को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोज था, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसका पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ बना के आपने इस तरह से लिख लेना है और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देना है तो ये और वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये रैंडम टेक्स्ट इसका यहाँ से आपने ऐड करना है, जो भी वही जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, क्या बनाया था, पहले यूएल बनाएंगे, फिर एलआई बनाएंगे, फिर उसके अंदर बोल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल टेक्स्ट डालेंगे। तो इसके तीन चार ये बनाने, एक बना देता हूँ मैं, बाकी फिर आप खुद बनाइएगा। तो ये एक लिया, यहाँ से कॉपी किया पैराग्राफ के अंदर का, यहाँ पे दोबारा से यूएल बनाया, देखो लिस्ट आइटम बनाएंगे इसके अंदर,
पर क्लिक करेंगे, बोल्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ से इसको कट किया। ठीक है, एक में बना देता हूँ, बाकी फिर आप देख लेना इसके। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे रख के पेस्ट करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे ये एक ऐड हो गया इंटीग्रिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आगे देखना है तो अगला पेज है हमारे पास इसके अंदर सर्विसेज का। तो सर्विसेज के लिए फिर एक दोबारा से वही स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे H1 करेंगे, H1 करके यहाँ पर इसके साथ ऐड करेंगे सर्विसेज, तो ये H1 सर्विसेज ऐड हो जाएगा। H2 करेंगे और उसके अंदर हमें क्या लिखना है, आवर सर्विसेज, तो कॉपी करेंगे फिर उसी तरीके से इसके बीच में लिख देंगे और फिर उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। और यहाँ पर आके इसको हम अपने पेज पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सर्विसेज का पेज ऐड हो गया और आवर सर्विसेज के बारे में सेंटर में हमारा टैग आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे, पैराग्राफ को एक्टिवेट करेंगे और सर्विसेज के बारे में इसने एक नोट लिखा है तो ये नोट लिखेंगे अपने पास, तो ये हमारी कंपनी का नोट हो गया। फिर सर्विसेज जो हमारी है वो उसको डिफाइन करेंगे। सिमिलरली इसको भी H2 में ही चला लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे वेब डिजाइनिंग और इसको भी हम आई थिंक मेरे ख्याल इसको लेफ्ट पे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, कॉपी करेंगे और उसके बाद H2 के बाद पैराग्राफ लगाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और ये फिर किस तरह की वेबसाइट बनाने की सर्विसेज दे रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सिमिलरली इसके लिए आप क्या करेंगे, यूएल बनाएंगे, पहले पैराग्राफ बना लें। ठीक है, पहले एक पैराग्राफ बना लें, उसके अंदर एक यूएल बना लें, उसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड कर लें। ठीक है, आप कितने लिस्ट आइटम है कॉपी कर लें, इसको 1, 2, 3, 4 है, तो इसे करके कॉपी करके पेस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, कॉपी कर लें यहाँ पे और ये पेस्ट आ गया। और यहाँ पे इकॉमर्स है, कॉपी कर लें इसको यहाँ पे और इसका यहाँ पे पैसा आ गया। ठीक है, तो ऐसे 3-4 को और भी फिल कर लीजिएगा इसके अंदर। ठीक, ये देखिए हमारी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की सर्विसेज आ गई। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो अगला टॉपिक है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो यहाँ से क्लिक करेंगे। और के इसके पैराग्राफ के बाद यहाँ पे H2 लगाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफिक डिजाइनिंग लिखेंगे, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर उसकी एक पैराग्राफ नोट है वो लगाएंगे, कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे। और यहाँ पे सेम वही स्टेप्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं बस स्टेप्स, कोई इसमें नई चीज़ तो हो नहीं रही है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट आप सही करते जाएं तो वो चीज़ें इस तरह से ऐड होती चली जाएंगी। और फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग की ये सारे ऐड करने हैं, फिर इसके पैराग्राफ्स वगैरह, तो यहाँ पर यही वाले कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी और पैराग्राफ यूएल प्रोसेस, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले जाके ठीक है, तो दो इसके ऐड कर दिए, 4 हैं, दो इसके ऐड कर दिए। इसी तरह से फाइनल पेजेस के अंदर कॉन्टेक्ट एस का है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का, तो रहिए कॉपी करते हैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे ले जाके H2 डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पर हमने इसका पैराग्राफ और फिर उसके URL यहीं से कॉपी करके हमने यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिए। ठीक है, और उसकी जो सर्विसेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे ले लें, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और उस पर हम दूसरे सोशल मीडिया पर, बाकी ये दो फिर आप खुद ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। फाइनल पेज है हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ से लिया, कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके हमने इसके बाद H1 ऐड करा है, पेस्ट किया कॉन्टेक्ट अस को। और यहाँ पर ओके, इसका एक पैराग्राफ डाल दिया ताकि यूजर को पढ़ के अच्छा लगे कि हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें पैराग्राफ के अंदर हमने इसका अलाइन सेंटर कर दिया, अलाइन, और उसके लिए क्योंकि ये मैसेज लिख रहे हैं तो उसके लिए हम फॉन्ट पेस्ट को भी यूज करेंगे। यार लिख ही लेता हूँ, कॉपी पेस्ट क्या करूंगा इसके लिए। ठीक है, तो फॉन्ट फॉन्ट के साथ यहाँ पे लगाया हमने, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे लगाया हमने फेस, फेस लगा के इक्वल टू किया और इसके बाद लगाया साइज, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसेज बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, 5 के अंदर लिख लेते हैं इसको, 5 पिक्सल के ऊपर। और कलर इसका थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे कलर ग्रे के ऊपर कौन सा उठेगा, सियान कलर लिख देते हैं, तो सियान उठ जाएगा शायद इस पर। और यहाँ पर फॉन्ट ले लेते हैं यहाँ पे से दोबारा से कोई अच्छा सा, ये फॉन्ट लेके देखते हैं रॉकवेल, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बन गया आपका वेबसाइट का। अभी इसमें हमने इमेजेस ऐड नहीं किए, ठीक है, यहाँ पे अभी इमेजेस का काम रह गया है, सिर्फ कंटेंट ऐड किया है और ये हमने पूरी वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर दी है। पढ़ लें इसके ऊपर, ये पहला मैन टाइटल आएगा, फिर मिशन स्टेटमेंट, कंपनी की विजन, ऑब्जेक्टिव, होम पेज, फिर उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन, पूरी एक वेबसाइट आप देखेंगे इस तरह से बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है इसमें, क्वेश्चन हमारा ये है कि चलें एक इमेज में इसके दरमियान में लगा देता हूँ, जो एक हीरो इमेज है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इमेज लगाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा पहले और इमेज का टैग कहाँ पे लगाना है मुझे वो देखना है। तो इमेज का टैग मुझे कहाँ पे लगाना है वो, ये ट्रस्टेड के बाद, सेंटर के बाद, H1 के बाद, फॉन्ट फेस से पहले, IMG SRC का टैग है, IMG एलिमेंट का नाम है जो यूज़ होता है, सोर्स इसका ऑब्जेक्ट है जिसको आप सोर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब इमेज कैसे लगाएंगे, पहले आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे अपना ये वेब पेज सेव किया है, वहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस के नाम का और उसमें जाके वो इमेज रखेंगे जो आप इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं। तो लेटेस्ट पे चले गए, हालांकि इमेज हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना है लेकिन अब जो इंटरनेट से नहीं कर रहे हम डाउनलोड, मेरे पास जो इमेजेस हैं वहाँ से वो एक लगा देते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग और इस तरह टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देने के लिए जो हमारे पास इमेज सही रहेगा जो हमें इस पे लगाना है वो आई थिंक सो ये वाला इमेज ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे इसके अंदर, इधर नहीं करेंगे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर, और इसका एक नाम रखेंगे, F2 दबाएंगे, रीनेम का बटन, IMG01 मैंने इसका नाम रख लिया। व्यू में जाएंगे, यहाँ से देखें एक ऑप्शन लगा होगा फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, इस पर चेक नहीं है तो चेक लगा लीजिएगा। जैसे आप इस पर चेक लगाएंगे तो आपको इमेज का नाम भी नज़र आएगा, डॉट उसकी टाइप भी नज़र आएगी, .jpg इसकी टाइप है। जब इसकी टाइप आपको नज़र आ रही है सही तरीके से तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप आई टाइप करेंगे तो ये पूरा फोल्डर का पाथ आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो लिखना है जैसे फोल्डर का नाम है इमेजेस, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आप जैसे लिखेंगे तो फाइल का नाम आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो लिखना है बकायदा इस तरीके से और ये इमेज आपका वेबसाइट पे यहाँ के फिक्स हो जाएगा। अब इमेज आपके वेब पेज से कई ज़रा बड़ा है तो उसके लिए एट्रीब्यूट लगाएंगे ताकि वो इसको एडजस्ट कर सकें, विड्थ 100% का एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो इससे इसकी विड्थ 100% एक्टिवेट एडजस्ट हो जाएगी और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इमेज हमारी वेबसाइट के लिए आ गया, ठीक है। अब आता है अगला स्टेटमेंट कि भाई सपोज करें आप एक यूज़र हैं, ये वेबसाइट आपके सामने खुल गई, ठीक है ना, अब इसमें क्या लिखा हुआ है आपको पता है, नहीं लिखा हुआ पता ही नहीं है और हम पढ़ देंगे भी नहीं। जैसे एक किताब है आपके पास, वो आपको दे दी जाए, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आपको तो पता नहीं होता ना, तो वो कहाँ से मालूम करते हैं किताब में कौन से टॉपिक है बता रहे, कॉन्टेंट सेक्शन में से, फहरिस्त वाला सेक्शन जो शुरू में होता है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट। ऐसे वेबसाइट भी तो एक बुक है ना हमारी, हमारी कंपनी की एक बुक है वेबसाइट। यूजर आया, इसके सामने तो ये पेज खुलेगा, ठीक है, उसने कंप्यूटर देख लिया, कंपनी का नाम पढ़ लिया, अब इसमें क्या क्या डिटेल हमने डाली है वो तो उसको पता ही नहीं है, नहीं पता ना उसको, तो हमें इसके लिए भी कोई ऐसा काम करना पड़ेगा। तो हम इसमें कंटेंट तो नहीं बनाएंगे, हम लिंक्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, कि जो हमें जिस लिंक को यूजर से शेयर करना है, कि जो यूजर को हम पढ़वाना चाहते हैं वो चीज इसके लिंक के तौर पर ऐड करेंगे। अब वो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे इसके नीचे, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ, ये इमेजेस है, इमेजेस से ऊपर और उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे HR और दो बार लिखेंगे HR, इससे क्रिएट होगी दो लाइंस हॉरिजॉन्टल रो, इन्हें स्पेस सेपरेटर के तौर पे यूज करते हैं। इन सेपरेटर के बीच में हम यहाँ पर चाहें तो एक पैराग्राफ बना लेते हैं, चाहें तो थोड़ा सा हाईलाइट करें तो H3 बना लेते हैं, हेडिंग 3, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर फिर हम इस तरह से लिखते हैं कि हम कौन कौन से सेक्शन को उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, इसको हम होम सेक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन क्लिक करेंगे पेस्ट एंड पेस्ट, और यहाँ से हम चले जाते हैं यहाँ तक। तो होम के बारे में बताना चाह रहे हैं हम, इसको अबाउट के बारे में ये पढ़ ले, हमारे सर्विसेज के बारे में पढ़ ले ये हमारी, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कॉन्टैक्ट के पास जाना चाहता है तो कॉन्टैक्ट के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ले, और अभी हमने कॉन्टैक्ट सेक्शन इतना अच्छा नहीं बनाया है, बहरहाल यहाँ पेस्ट करते हैं। मिशन स्टेटमेंट पढ़ना चाहता है हमारी, मिशन के बारे में पढ़ ले। विजन पढ़ना चाहता है हमारा, तो विजन के बारे में पढ़ ले, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से विजन के बारे में पढ़ ले। ऑब्जेक्टिव हमारा जानना चाहता है कंपनी का क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हमारे जान, मतलब जिस जिस सेक्शन को हम इसको रीडेबल करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, तो लिखने के बाद वो ऐसा नजर आएगा। समझ में आ रही है बात ये? तो अब तो वो अब मकसद क्या है इस वेबसाइट में, क्या है, होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट है, मिशन है, विजन है,
और अगर किसी चीज को डालना चाह रहे हैं, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग नीचे लिखा हुआ है ना आपने, उसके यहाँ पे लिख दें ताकि वो सारी चीजों को गो थ्रू कर ले। लेकिन यूजर तो यूजर है, वो तो पढ़ के निकल जाएगा आगे। अब यूजर कहाँ ढूंढेगा कहाँ लिखा हुआ है, तो टाइम लगेगा है ना, क्योंकि अभी इमेजेस वगैरह लगेंगी तो ये तो और बड़ी हो जाएगी वेबसाइट। तो कोई ऐसा तरीका हो जाए कि हम उस पर क्लिक करें और वो उस पर ले जाए, ये तो आसान हो जाएगा ना यूजर के लिए। तो इसे हम कहते हैं लिंक्स क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? लिंक्स। लिंक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाइपर लिंक जिसपे क्लिक करके आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे चले जाते हैं, और एक लिंक ऐसे होते हैं उसी वेबसाइट के पेज पे क्लिक करते हैं उसी पेज के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। तो अभी हम बनाएंगे इंटरलिंक्स, मतलब इसी पेज के ऊपर कहीं इसको ढूंढ ले। तो हम जिस जिस के साथ लिंक करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ क्लिक करने पे ये कहाँ जाए, जहाँ जाए उसके ऊपर मैं एक आईडी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? आईडी एक एट्रीब्यूट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को नाम दे सकते हैं, मतलब बॉडी को नाम दे सकते हैं, H1 को नाम दे सकते हैं, H2 को, H3, H4, H5, H6, B, U, I, फॉन्ट फेस और पैराग्राफ P, सबको कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। तो कैसे नाम देते हैं इसको? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहाँ लिखा था, जैसे पहला आ रहा है मेरा मिशन, तो इसके साथ मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करूंगा आईडी, और इस पर मिशन के लिए M की इसको आईडी दे दूंगा। नाम कुछ ऐसा रखना है जो इसकी कमांड का अल्फाज नहीं होना चाहिए, BUHI कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो नाम दोबारा यूज नहीं करना, आईडी एक ही बार होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको कॉपी कर ले, सिस्टम को बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ मिशन आ गया और मिशन के नीचे आ गया विजन आ गया, H1 वाले को इसको दिखा के हमने यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया, और इसका मैंने नाम रख दिया वी, इस सेक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया वी। उसके बाद नीचे आ गए, इसका नाम मैंने रख दिया ऑब्जेक्टिव का आईडी लगाया यहाँ पे, और इसका नाम रख दिया मैंने ओ, ठीक है, और रख दिया ओके। अब नीचे आते हैं तो हमारा आएगा सबसे पहले होम पेज, इसका मैंने आईडी रखा और इसका नाम मैंने रख दिया अब होम पेज का HP रख दिया, और नीचे आया नीचे आया नीचे आया वाई चूजर्स को भी अगर करना चाह रहे तो पढ़ लिख के इसका भी आईडी लगा सकते हैं। अबाउट अस आ गया, इसका एक आईडी रख लेते हैं, और इसका आईडी हमने रख लिया AU, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं नीचे 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 और वैल्यूज आ गई, ठीक है ठीक है। सर्विसेज आ गया और यहाँ पे क्लिक करके आईडी लगा दिया, और इसका हमने रख लिया इसका नाम SRV, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ गया नीचे आ गया नीचे आ गया वेब डिजाइनिंग को अगर हाईलाइट करना है ऊपर लिंक्स के साथ, तो यहाँ पे इसका आईडी रख सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ग्राफिक डिजाइनिंग, इनको हाईलाइट करना है तो ये चीज़ें लगा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, तो कॉन्टैक्ट के लिए भी हमने एक आईडी लगा दिया यहाँ पे, और उसका नाम रख दिया CT रख देते हैं, CU रख देते हैं, CU, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ओके। अब ये आईडी बना दिया, अब आईडीज को लिंक कैसे करेंगे? लिंक कैसे करेंगे? लिंक करने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट यूज होता है उस एलिमेंट का नाम क्या है, क्या नाम है मुसिफ? एंकर। एंकर कैसे लगाएंगे? जिस टेक्स्ट पे लिंक लगाना है उससे पहले, जिस वर्ड पे, लेटर पे, कैरेक्टर पे, इमेज पे लगाना है उससे पहले एंकर लिखेंगे। एंकर एलिमेंट है, HREF, हाइपर रेफरेंस इसका एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट को जहां से स्टार्ट किया उसका क्लोज उसके बाद रखना है, मतलब इसका मतलब है ये हमारा इस पे क्लिक होने पे काम होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, दोबारा देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ, इससे पहले सॉरी एंकर, और इसको कहाँ पे, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो पूरे पे लिंक लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसके बाद जस्ट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। दो मैं बना के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा भाई, अब होम वाले पे भेजना है तो उसका नाम क्या रखा था मैंने? HP। तो हैश के साथ डबल कोट्स के अंदर ये आईडी लिख देना है, ठीक है। और अबाउट में यहाँ पे करना है ये रहा, क्या नाम रखा था अबाउट उसका? AU, हैश के साथ AU। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये आपके लिंक्स क्रिएट हो गए। आप देखें जैसे यूजर इस पे क्लिक, जब ये इतना कर लो ना फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें कहाँ लिया आया हमें, होम पेज पे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कहाँ लिया है, अमाउंट पे। ऐसे ही अगर हमें सर्विसेज का बनाना है तो यहाँ पे लगाएंगे, दोबारा देख लें, यहाँ पे लगाएंगे हैश। नाम बिल्कुल सही लिखना है, नाम सही नहीं लिखेंगे तो वो लिंक्स क्रिएट नहीं होंगे, सही है। तो ये देखें इस तरह हमने जो पहले वेबसाइट बनाई थी पहली और दूसरी क्लास के अंदर, तो वो वेबसाइट ऐसे ही हम नॉर्मल टेक्स्ट के साथ बना रहे थे, ठीक है, मतलब रैंडम टेक्स्ट के साथ। आज आपको मैंने ये पूरा फॉर्मूला सिखा दिया
वेबसाइट के कंटेंट्स कैसे जनरेट करवाने एआई से। पूरी वेबसाइट का कंटेंट आपको एआई बना के देगा, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिख के उसमें थोड़ा एडिशंस करके। और दूसरा मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से उसको अपने पेज के ऊपर एचटीएमएल को इस्तेमाल करते हुए आपने असाइन करना है, इन एलिमेंट्स को आपने इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से वेबसाइट पूरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। इनके कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं लिंक्स के। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी के एलिमेंट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, ए लिंक, वी लिंक, लिंक, ठीक है। अब उसमें उसके कलर बताइए, जैसे कि येलो बताते हैं हम इसमें एक्टिव लिंक का कलर, और लिंक का कलर बताइए क्या होना चाहिए, सपोज सियान बताते हैं हम इसके अंदर, विजिटर लिंक रेड हो जाएगा, तो ब्लू तो पहले ही था वो, ठीक है। ये देखिए क्लिक करा, येलो हो रहा है, फिर पिंक रहेगा, ब्लू हो रहा है, सही है भाई, अब खुश हो गए, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से। बाकी को लिंक पे कन्वर्ट नहीं किया तो इसलिए वो नज़र नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें पिंक की जगह अगर आप ब्राउन भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। चलो जो भी रख लेना,